देवास जिले के टोंक खुर्द तहसील के देव धर्मराजपुरा निवासी मोतीलाल पिता देवाजी की खुदकुशी के मामले में लोगों ने हाईवे पर चक्का जाम करने की चेतावनी दी है। वह सूदखोर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। मीडिया को जगदीश गुर्जर ने बताया कि मोतीलाल ने हुकुम पिता प्रहलाद, बद्री पिता प्रहलाद निवासी ग्राम चांदगढ़ एवं उत्तम पिता मोहन सिंह, जितेंद्र पिता मोहन निवासी सेडू थाना पीपल रावा चौकी बालोन जिला देवास से 50,000 रुपए उधार लिए थे। 3% ब्याज पर ली गई यह राशि उसने मय ब्याज के 1 महीने पूर्व कालू पिता उमराव सिंह के सामने वापस कर दिए थे, लेकिन आरोपियों ने मूल राशि लेने के बाद भी मृतक से 4,80,000 रुपए की मांग की, मृतक के साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी। इसी से आहत होकर मोतीलाल ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। परिजन ने मांग की है कि जो 2 आरोपी फरार है उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए तथा सभी आरोपियों के मकान पर गुंडा अभियान के तहत बुलडोजर चलाया जाए ताकि ब्याज के चक्कर में किसी की जान नहीं जाए। परिजन एवं अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के पूर्व जिला अध्यक्ष जगदीश गुर्जर ने बताया कि यदि 8 नवंबर तक पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उन पर कार्रवाई नहीं की तो टोंक कला मुख्य हाईवे पर चक्का जाम कर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अभी कुछ दिन पहले आने वाली मतलब पिछले महीने की 19 तारीख को मृतक श्री मोतीलाल जी ने आत्महत्या कर ली थी। खोरों के तंग आकर परेशान होकर उस मामले के लिए आज ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं कि अभी तक उनके मकानों पर बुलडोजर नहीं चली है और जो मुख्य आरोपी है, 2 आरोपी अभी भी फरार है। उन मुख्य आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। आने वाली 8 तारीख तक अगर उन दोनों आरोपियों को नहीं पकड़ा जाएगा और इनके मकानों पर बुलडोजर नहीं चलाई जाएगी तो हम पूरे समाज के साथ हजारों की संख्या में हाईवे नंबर 3 टोंक कला में जाम करेंगे। इसीलिए आज सभी से यहाँ वार्ता कर रहे हैं। मामला पूरा यह था कि जो मृतक थे मोतीलाल जी, उन्होंने चांदगढ़ बद्रीलाल होक्कम और जितेन उत्तम इन लोगों से 50,000 रुपये लिए थे, जिसके बदले इन्होंने परेशान कर करके 65,000 रुपये वसूल कर लिए थे। उसके बाद 1,00,000 रुपये की मांग करने लगे, ऐसे कर करके पैसे बढ़ा रहे थे, जिससे तंग आकर हमारे समाज के एक व्यक्ति ने जहर खा लिया था। पैसे एक आदमी से लिया था लेकिन 3 आदमी उसके साथ थे डराने धमकाने में।